Good evening, everybody. Welcome to Navya Educators, the level 3 course which is called Fluency course. Student, this is the course especially made for those students who want to speak English fluently. So, ये जो हमारा course है, इसका मतलब ये है, हम इस course में आपको वो technique बताएंगे, वो बातें बताएंगे, जिसकी help से आप सभी लोग fluent English बोल पाएं, right? आज तक आपने fluency, fluent in English and learn English fluently, इस तरीके से आपने बातें बहुत सुनी होगी. अगर हम के what does exact mean of fluency, मतलब इसका exact mean क्या होता है, मतलब क्या, तो सबसे पहले मैं आज को आप इस introduction देता हूँ मैं fluency का आपको. What does it? तो fluency का मतलब आप ध्यान से समझेंगे तब आप लोग जय हिंद संदेश मौर्य हिंद. तो फ्लुएंसी का अगर हम मतलब समझे तो इसमें हमारे 3 पार्ट हैं. फर्स्ट थिंग इज दैट आप कंटिन्यू बोल पाए, कंटिन्यू बिग लाइंस आप पाए, मतलब लंबी लाइंस आप बोल पाए, लॉन्ग सेंटेंस, एक के बाद एक. दूसरा, आप लोग कंजंक्शंस का यूज कर पाए, कंजंक्शंस, ठीक है, ओके, ऐड करने में सेंटेंस को काम में आता है. एंड द लास्ट थिंग इज दैट यू शुड हैव अ गुड वोकैबुलरी, या बिल्ड योर वोकैबुलरी. मेनली फ्लुएंसी के अंदर हमें 3 चीजों पर होते हैं, कॉन्टिन्यू बिग लाइंस बोलना, एक के बाद लाइन को कंटिन्यू बोलते चले जाना और दिमाग पर ज्यादा ना डालना कि आप क्या बोल रहे हो. सेकंड थिंग, कंजंक्शंस का यूज करना, एंड इफ, ऑन, ये कुछ कंजंक्शंस हैं, जैसे एंड का यूज कर सकते हैं, और का यूज कर सकते हैं, बट का यूज कर सकते हैं, बिकॉज का यूज कर सकते हैं, हेंस का यूज कर सकते हैं, एज वेल एज कर सकते, ये थोड़ा बड़ा लिखिए. ओके सचिन, मैं थोड़ा की कोशिश करूंगा. तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है वो कि हम लंबे सेंटेंस बोल पाए, ऐड कर पाए सेंटेंसेस को एक के बाद एक, और अपनी वोकैबुलरी को बिल्ड कर लें. अब ध्यान से देखो, पहले वर्ड का मीनिंग कंटिन्यू बिग लाइंस का क्या मतलब. बिग लाइन देखिए, आई एम गोइंग, हो सकता है आप ऐसे बोलते हो, आई एम गोइंग, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आई एम गोइंग टू मार्केट. हो सकता है आप ऐसे बोलते हो, आई एम गोइंग टू मार्केट इन अ कार, या हो सकता है आप सेंटेंस जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट इन अ कार विद माई फ्रेंड. या हो सकता है आप इससे भी लंबा सेंटेंस बोले, आई एम गोइंग टू मार्केट इन अ कार विद माई फ्रेंड फॉर परचेसिंग वेजिटेबल्स. सेंटेंस लिखो, आई डोंट थिंक ज्यादा नीड है, आप समझ चुके हो. आप ये भी सेंटेंस बोलते हो सकता है आप यहां बोलते हो, यहां बोलो. इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि आप अपनी बात को कंप्लीटली एक्सप्रेस कर पा रहे हो या नहीं. कंप्लीटली एक्सप्रेशन मतलब कुछ चीज छोड़ी नहीं. देखो इसमें हर एक चीज बताई कि मार्केट जा रहा हूं कार में अपने दोस्त के साथ, सब कुछ बता दिया गया है. अब अगर मैं यहां की बात करूं तो इसमें यह बताया गया है कार में जा रहे हैं, ये नहीं बताया गया है किसके साथ जा रहे हैं. अगर यहां की बात करूं तो यहां पर आप देखेंगे इतना बताया मार्केट जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, कोई चीज नहीं बताई गई है. और यहां आई एम गोइंग, बस यहां छोटी सी इंफॉर्मेशन दी है कि मैं जा रहा हूं. अभी तक कहां जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किस, आई एम फाइन अनुराग. तो आप लोग अब अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए आप अपने आप को किस पोजीशन में रखते हैं. मेनली लोगों को ऐसा लगेगा कि वो या तो यहां है या फिर यहां है. तो जो लोग यहां बोलेंगे वो फ्लुएंट इंग्लिश बोलेंगे,
जो यहाँ बोलेंगे वो बिगनर्स की स्पीकिंग करेंगे और जो यहाँ होंगे वो एडवांस लेवल की स्पीकिंग कर रहे होंगे। तो सिंपल है ये, तो आपको पता चला सेंटेंस कैसे बोले जाएंगे। तो अभी हम अपने पार्ट वन पर ही फोकस करेंगे, ठीक है? ये मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वो क्या बताया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम कंजंक्शंस का यूज करेंगे। कंजंक्शन का मतलब आई एम गोइंग एंड माय फादर इज आल्सो गोइंग। ब्रेक हो रहा है, वॉइस नहीं आ रहा है। आई डोंट थिंक ऐसा होगा, नेटवर्क तो ठीक है बट चलिए धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ सब कुछ। तो स्टूडेंट अब मैं आपको वो टेक्निक बताऊं आज के सिलेबस के अकॉर्डिंग। आज आपका डे वन है राइट? तो डे वन की आपको टेक्निक बता रहा हूं आपको कैसे यूज करनी है और किस तरीके से यूज करनी है, ठीक है? ध्यान से समझ लीजिए। यहां पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा यहां पर। उसके बाद जो यहां पर आपको पूछा होगा आपको उसका आंसर देना है, उसका आपको आंसर देना है। लेकिन आंसर छोटा नहीं देना है, आंसर बहुत बड़ा देना है। समझ में आया? थोड़ा बड़ा लिखिए, सुर भी बिल्कुल बड़ा ही लिख रहा हूं मैं, ये तो बहुत बड़ा लिख रहा हूं। तो आंसर आपको बड़ा लिखना है। आप सिंपल बात है, मैं पूछूंगा आपसे क्वेश्चन आपके बारे में, आर यू ऐसा करेंगे, मैं आपसे पूछूंगा आर यू, तो अब आपको आंसर अपना देना है, ठीक है? अपना देना है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे लोगों का भी देना है। ही इज मतलब कोई एक लड़का, ये कोई लड़का है जिसका, जिसको आप जानते नहीं है, जिसका आपको नाम नहीं पता। ही इज ये भी वही कर रहा है। यहां एक लड़की है, लड़की है, इसका नाम आपको नहीं पता, भी वही काम कर रही है। अब दोनों की बात करी जाए तो दोनों मिला के बनता है वी, सॉरी दे, दोनों मिलाकर बनता है दे। ये बात समझ में आ गई? लड़का है ही हो गया, लड़की है शी हो गया, और दोनों को मिला के दे हो गया। यहां तक समझ में आया? और फिर आप बात करेंगे माय फादर के बारे में, माय फादर इज आल्सो ऐसा करी, माय मदर इज ऐसा करिंग, माई ब्रदर इज ऐसा करिंग। तो ये सिंपल सी चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप ध्यान से समझ लीजिएगा सभी स्टूडेंट। मैं आपसे वॉइस ब्रेक हुआ है, एक मिनट हाँ, वॉइस इश्यू को आई होप कि अब सब ठीक हो जाएगा। माइक टेस्ट कर लेते हैं। हाँ भाई प्लीज स्टूडेंट टेल मी इज द साउंड ओके, प्लीज टेल मी इज माय साउंड। बबीता जी आई एम फाइन एंड यू कैन से वापस ठीक हैं, हम वैसे ही हैं जैसे थे। अब सिंपल सी बात है, मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है, विच टॉपिक यू आर टीचिंग। आई एम टीचिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस राइट, बट हमारे यहाँ टॉपिक, हमारे यहाँ डेज होते हैं, हम डेज के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो मेयर स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट आर यू ऐसा करिंग, क्या आप आज ऐसा कर रहे हैं या आज कर, आर यू ऐसा करिंग नाउ अ डेज, क्या आप आजकल ऐसा कर रहे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन और आपको आंसर देना है यस आई एम ऐसा करिंग नाउ अ डेज, ठीक? ध्यान से समझिए मेरी बात को, ध्यान से समझिए, जल्दी नहीं कीजिएगा। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है आर यू ऐसा करिंग नाउडेज, क्या आप आजकल ऐसा कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? यस आई एम ऐसा करिंग नाउडेज, ही इज ऐसा करिंग नाउडेज, एंड सर शी इज ऑल्सो नाउडेज, इट मीन्स दे आर डूइंग नाउडेज। My father is also aisa karing nowadays, and my mother is also aisa karing nowadays, and my brother is also nowadays. अब ध्यान से समझ लीजिए,
मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आर यू ब्रशिंग टीथ नाउडेज? क्या आजकल आप ब्रश कर रहे हैं? आर यू ब्रशिंग योर टीथ नाउडेज? सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है? आर यू ब्रशिंग योर टीथ नाउडेज? आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, ध्यान से सुनो. आपको बोला है यस सर आई एम ब्रशिंग माई टीथ एंड ही इज ऑल्सो सर ही इज ऑल्सो ब्रशिंग द टीथ एंड शी इज ऑल्सो ब्रशिंग द टीथ बोथ they are brushing the teeth and my father is also brushing the teeth, my mother is also brushing the teeth and my brother is also brushing the teeth. तो अब आप ध्यान से समझ रहे हो, मतलब continuously बहुत सारे में सेम तरह की चीजें बोलकर प्रैक्टिस करनी है. नीतू पांडे वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका यार, मुझे भी पता है बट मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये नेटवर्क इशू हो सकता है. नेटवर्क इशू हो सकता है, देखते हैं क्या दिक्कत. नहीं सब सही है मेरी तरफ से. चलिए तो स्टूडेंट्स माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर यू ड्रिंकिंग मिल्क नाउडेज और नॉट? प्लीज टेल मी, आर यू ड्रिंकिंग मिल्क नाउडेज? क्लास कब चलता है? देखिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कीजिएगा, सॉरी 9897406261 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग इस पर मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को पूरा टाइम टेबल बता दूंगा. ठीक है चलिए, आर यू नाउडेज और नॉट प्लीज टेल मी. अब आपको कैसे बताना है, देखो यस सर आई एम ड्रिंकिंग मिल्क, ही इज ड्रिंकिंग मिल्क, drinking milk, they are drinking milk, my father is drinking milk, my mother is drinking milk, my brother is drinking milk, that's it. बस इतना सा करना है, फिर भी हम लाइव क्लास पढ़े. ओके चलिए ध्यान से समझिए, मजा आने वाला है. एक 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 सॉन्ग बना लीजिए, सॉन्ग है ये. ओके क्या सॉन्ग है? मेरा एक क्वेश्चन है, आर यू टेकिंग नाउडेज, क्या आजकल आप नहा रहे हो? ठीक है तो आप बोलो यस सर आई एम टेकिंग बाथ, ही इज टेकिंग बाथ, शी इज टेकिंग बाथ, दे आर टेकिंग बाथ, माय फादर टेकिंग बाथ, माय मदर इज टेकिंग बाथ, माय ब्रदर बाथ. बस सिंपल है, सबको आप फ्लिंटसी में सभी को काउंट करोगे, हर एक बंदे के बारे में बोलोगे और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. समझ गया? कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा किसके साथ क्या आना है, ये सब आपको पहले से ही आता है, बस आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है. ठीक है चलिए ध्यान से सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू गोइंग टू मार्केट? लेट्स टॉक विद आशीष पर अभी क्लास नहीं है जब तक मैं पूरी तरह से हेल्दी नहीं होता. ठीक है अभी इस पर भी बहुत क्लासेस हैं, चलिए बताइए भाई. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ और पूछा था. क्लास का टाइम टेबल आप लोग मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पर सेंड करूंगा टाइम टेबल. ठीक है जी, मेरा क्वेश्चन ये, क्या आप आजकल मार्केट जा रहे हैं? आर यू गोइंग टू मार्केट नाउडेज और नॉट? आर यू गोइंग मार्केट or not? So answer kaise dena hai sir? Yes sir, I am going to market. He's going to market. She's going to market. And my father is also going to market. My mother is also going to market. My brother is also going to market. It is very simple. आपने किया था? अच्छा, reply नहीं किया था? आ जाएगा reply. थोड़ा time लगता है, आ जाएगा. अच्छा इस पे किया करो फिर मैसेज, रिप्लाई चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर और लिख लो, चलो पे रिप्लाई जल्दी मिलता है. ओके सो एवरीवन नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू प्लेइंग क्रिकेट नाउडेज? आजकल आप क्रिकेट खेल रहे हो या नहीं? प्लीज टेल मी, आर यू प्लेइंग क्रिकेट नाउडेज और नॉट? एक ही लाइन लिखकर भेज रहे हैं, वो फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल रहे, मैं फिर बता रहा हूँ, वो लोग फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल रहे जो एक ही बार लिखकर भेज रहे हैं. ध्यान से मेरा सिंपल क्वेश्चन है, क्या के आर यू ईटिंग फूड और नॉट नाउडेज? प्लीज टेल मी, आर यू ईटिंग फूड और नॉट? आर यू ईटिंग फूड और नॉट?
So answer is yes. Yes, I'm taking food nowadays, and he's also eating food nowadays. She's also taking food nowadays. So they are eating food, sir. And my father is also taking food, and my mother is also having food, and my mother is also eating food. It is very simple. जी मेरा एक क्वेश्चन है, आर यू प्लेइंग क्रिकेट और नॉट? आर यू प्लेइंग क्रिकेट नाउडेज? सिंपल सा आंसर है, कैसे? यस सर, यस सर, आई प्ले क्रिकेट एंड ही इज आल्सो प्लेइंग क्रिकेट, शी इज आल्सो प्लेइंग क्रिकेट एंड सो दे आर प्लेइंग क्रिकेट एंड माय फादर इज आल्सो प्लेइंग क्रिकेट, माय मदर इज प्लेइंग क्रिकेट एंड माय ब्रदर इज आल्सो प्लेइंग क्रिकेट, दैट्स इट. तो इस तरीके से हम लोग सिर्फ आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको क्या करना है एग्जैक्टली, लेकिन इसकी प्रैक्टिस सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पर होगी, जूम. वहां पर मुझे पता चलेगा कि आप लोग बोल या नहीं बोल पा रहे हो, ठीक है? तो उसके लिए आईडी पासवर्ड्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू. तो आप चेक करेंगे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आईडी और पासवर्ड, उसको यूज कीजिए. और अभी मेरी क्लास है, देखिए टाइप लीजिए आप लोग, अगर आप देख पा रहे हैं पर YouTube क्लासेस का टाइम टेबल है. फिलहाल आप ये देखिएगा, ये टाइम टेबल जो दिया गया है ये Zoom क्लासेस का है, अभी होगी है. ये Zoom क्लासेस अभी होंगी, 150 से है, 840 से है और 10 पर है. ये Zoom क्लासेस की हमारी डिटेल है, आप लोग इन्हें एंजॉय कीजिएगा और जरूर बात कीजिएगा मेरे से इंग्लिश में, ट्राई कीजिएगा इंग्लिश बोलने की. सो गाइज नेक्स्ट, आर यू ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश नाउडेज? बताइए. फर्स्ट थिंग, आप ऐसे एक बटन होता है, ऐसे करके एक बटन है, उसको प्रेस करो, वो ब्लू कलर का हो जाता है. दिखाओ, वीडियो को लाइक करो. ऐसे एक बटन है, देखो जरूरत, देखो उसको प्रेस कर दो, वो ब्लू हो जाएगा, गारंटी में. ब्लू ना हो तो मत दबाना, चलो ठीक है. ओके चलिए बताइए, आर यू ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश नाउडेज और नॉट? क्या आजकल आप इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हैं? तो बोलेंगे यस सर, आई एम ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश, शी इज ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश, शी इज ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश, दे आर ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश, माय फादर इज ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश, माय मदर इज ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश, ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश. सर वी आर ट्राइंग, सर यू आर ऑल्सो, सर यू आर ऑल्सो, राइट? कर दिया है. ओके okay. Are you washing your hands nowadays or not? Please tell. Are you washing your hands nowadays or not? Are you washing your hands nowadays or not? Please tell. क्या आजकल आप अपने हाथ धो रहे हो या नहीं धो रहे हो, बताओ. Are you washing your hands nowadays or not? Please tell. So answer देना बहुत आसान है. Yes sir, yes sir, yes. Sir, washing my hands. Sir, he is also washing his hand. Also washing her hand. Sir, they are their hands. Sir, my father is also washing hand. My mother is also washing hand. My brother is also washing hand. Sir, you are washing hands. Sir, you are washing hands. Sir, we are hands. Give me high five. So, Wi-Fi is a high five. ये मैंने रोडीज में देखा था. चलिए. नेक्स्ट, आप सच बताना, क्या आजकल आप सड़क पर डांस कर रहे हो? सच बताओ, क्या आजकल आप सड़क पर डांस कर रहे हो? क्या आजकल आप सड़क पर डांस कर रहे हो? क्या आजकल आप सड़क पर डांस कर रहे हो? जल्दी बताइए, क्या आजकल आप सड़क पर डांस कर रहे हो? तो यहां बस यस है ना, इसकी जगह नो, आई एम नॉट, ऐसा करेंगे. क्या बोलना है? सर नो सर, आई एम नॉट डांसिंग ऑन द रोड. नो सर, एंड सर ही इज नॉट डांसिंग ऑन द रोड, शी इज ऑल्सो नॉट डांसिंग ऑन द रोड, एंड दे आर नॉट. सर प्लीज लिसन टू मी, सर दे आर नॉट डांसिंग ऑन द रोड. सर नॉट डांसिंग ऑन द रोड, माय मदर इज नॉट डांसिंग ऑन द रोड, माय ब्रदर इज ऑल्सो नॉट डांसिंग ऑन द रोड. सर वी आर नॉट डांसिंग ऑन द रोड, यू आर डांसिंग ऑन द रोड. सर यू आर डांसिंग ऑन द रोड. तो इस तरह से हम लोगों को बोलना है. नेक्स्ट,
बताओ क्या आजकल आप गाली दे रहे हो या नहीं? आर यू अब्यूजिंग नाउअडेज और नॉट? आर यू अब्यूजिंग नाउअडेज और नॉट? तो आप क्या बोलेंगे? नो सर, नो सर, आई एम नॉट नाउअडेज. सर ही इज ऑल्सो नॉट अब्यूजिंग नाउअडेज. सर शी इज ऑल्सो नॉट, शी इज ऑल्सो नॉट अब्यूजिंग. एंड सर दे आर नॉट, they are not abusing. Father is also not abusing. My mother is not abusing. Sir, my brother is not abusing. Sir, you are abusing. No, sir, you are not abusing. We, sir, we are abusing, I think. No, sir, we are abusing. So, saying yes or not in your hand. हाँ कहना, ना कहना, ये आपके डांसिंग के प्लेस पर स्ट्रीट यूज कर सकते. हाँ स्ट्रीट, स्ट्रीट यूज कर सकते हमें नाचने वाले. ठीक है, आवाज क्लियर नहीं है. चलिए स्टूडेंट्स, मैंने कोशिश की आपको थोड़ा फ्लिंसी में आगे बढ़ाने की, और ये जो कोशिश है ये सिर्फ आपको एक ग्राफिक हमने बताया कि आपको क्या करना है फ्लिंट क्लास में, क्या जो उस क्लास में आपको किस तरीके से मुझे कुछ बोलकर बताना होगा. तो ये वो तरीका है जिसका आपको यूज कर, और इसी की हेल्प से आप लोग सीखेंगे इंग्लिश. तो मिलते हैं हमारी जूम ऐप पर, जूम क्लासेस में, जूम क्लास मीटिंग में. आईडी पासवर्ड आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, और आप लोगों को टाइम टेबल मैंने दिखा दिया है. अभी टेम्परेरी आप ये टाइम टेबल यूज करो. अगर आपको दिक्कत हो तो ये नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे वापस करेंगे फटाफट. इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई श्योरली करूँगा. वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा. आई होप कि आप लोग मेरी जूम क्लासेस ज्वाइन करें. थैंक यू वेरी मच. एवरी डे आई विल कम टू टीच यू. ओके, एवरी डे आई विल कम टू टीच यू. बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इश्यू आई वॉज नॉट अवेलेबल इन लास्ट 18 डेज. ओके, हम लोग जरूर बोलेंगे.